साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है। कांग्रेस पार्टी यहां वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। पूरी सरकार इसी प्लानिंग में लगी हुई है कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरे। हमारा कर्नाटका और बेंगलुरु, जिसे दुनिया में टैग हब पर जाना जाता है, टैग हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। आज कांग्रेस सरकार ने ये टैग हब को टैंकर हब बना दिया। पानी के लिए टैंकर माफिया लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है। ये लोग टूटी स्कैम जैसा लाखों करोड़ के घोटालों वाला स्कैम करने के लिए सपने देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 7 मई को कर्नाटका को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चून चून करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, पूरे कर्नाटका में कर देंगे, हमारे बागलकोट में कर देंगे, पूरे क्षेत्र में कर देंगे।